नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो कमेंट सेक्शन को जय शनिदेव से भर दें, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2020 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 31 अक्टूबर 2020 का दिन कैसा रहेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, नौकरी करियर व्यापार पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपकी सेहत आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या बड़ी घटनाएं आज आपके साथ आपके जीवन में होने वाली हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, साथ में क्या बड़े शुभ समाचार मिलेंगे, क्या क्या खुशखबरियां मिलेंगी, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। मित्रों, हमारे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 31 अक्टूबर 2020 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। मित्रों, 31 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी जो आपके लिए बेहद भाग्यशाली है। अश्विनी नाम का नक्षत्र है, सिद्धि योग रहेगा, शनिवार का ये दिन है। चंद्रमा मेष राशि में है जबकि सूर्य तुला राशि में विराजमान है। बात करें अगर आज के राहु काल के समय की तो ये समय रहेगा सुबह 9:22 से लेकर सुबह 10:46 तक का समय आपके लिए अशुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। अगर आज के अभिजीत मुहूर्त की हम बात करें तो ये समय रहेगा सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:33 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे 31 अक्टूबर का दिन अक्टूबर माह का आखिरी दिन आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। देखिए, अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो पर लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें ताकि आपका प्रेम हमारे साथ इसी तरह बना रहे। साथ में अगर आपकी राशि तुला है और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। साथ में मित्रों, इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत चमत्कारी उपाय बताऊँगा जिसको करने से आपको आपके हर क्षेत्र में अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, आपको आर्थिक लाभ होंगे, आपके हाथ में धन आएगा भी और टिकेगा भी। तो मित्रों, अंत में इस उपाय को सुने और जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज का ये दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपके लिए अच्छे फलों की प्राप्ति कराने वाली साबित होगी। आपके पारिवारिक जीवन में लोगों के बीच में यहाँ सामंजस्य बना रहेगा, यानी इस समय आपके कुटुंब का साथ आपको पूरा मिलेगा। आपके परिवार में किसी प्रकार की अगर परेशानी चल रही थी, कोई विवादित स्थितियाँ बनी हुई थी, तो मित्रों वो स्थितियां आप दूर होंगी जिससे आपको बेहद प्रसन्नता मिलेगी, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। साथ ही इस दौरान आप अपने घर के सदस्यों के भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे, कुछ ऐसे निवेश कर सकते हैं जो आपके परिवार को स्ट्रांग बना सकें, जो आपकी पारिवारिक स्थिति को स्ट्रांग बना सकें। इसके अलावा देखिए, आज आप अपने आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए अपने माता पिता से सलाह जरूर लें और उनकी सलाह आपके काम भी आएगी और आपके लिए काफ़ी लाभदायक स्थितियां निर्मित करेगी। साथ ही विवाहित लोगों के लिए भी आज का ये दिन बेहद खास रहेगा क्योंकि यहां उनको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और देखिए, जिन लोगों की संतान है तो उनको इस समय अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की बात पता चल सकती है, शुभ समाचार पता चल सकता है। देखिए, समाज में मान सम्मान आपका रुतबा आज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी माता नौकरी पेशा हैं, यानी आपकी माता किसी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी हैं, वो किसी तरह का भी कोई काम करती हैं, तो आज का ये दिन उनके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा, यानी बेहद लाभ की स्थितियां आपकी माता के लिए निर्मित होने वाली हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना इन दोनों ही चीज़ों में से कोई काम करते हैं तो देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद आज का दिन साबित होगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हैं या बिल्डिंग
मटेरियल से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह का, कोई बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, कोई काम करते हैं, तो आज आपके लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। वैसे तो देखिए तुला राशि के जो लोग होते हैं वो अपनी बातों को आसानी से सबके सामने नहीं कर पाते, लेकिन जब यहाँ आप अपनी बातों को सबके सामने अच्छे से पेश करेंगे तो आपका बताया हुआ लोग सुनेंगे और समझेंगे, यानी कि आप अपनी बात दूसरों से मनवाने में आज कामयाब होंगे और लोगों के सामने इस समय आप अपनी बातें खुलकर रख पाएंगे, बातों को शेयर कर पाएंगे, अपने विचारों से लोगों को अवगत करा पाएंगे। ऐसा ये समय रहेगा जिससे आपके विचार लोगों की समझ में भी आएंगे और इससे आपका जो व्यक्तित्व है वो उभर कर सामने आएगा। मित्रों, अगर किसी प्रेम संबंध में आप हैं या शादीशुदा हैं तो भी आज आप अपने पार्टनर के सामने अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को खुलकर अपने जीवन साथी के सामने रखेंगे तो उससे उसको प्रसन्नता होगी और आपका रिश्ता भी मजबूत बनेगा। तो मित्रों, आज का ये दिन आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाला है। इसके अलावा आज आपको अपने ननिहाल पक्ष से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे सुनकर आप बेहद प्रसन्न होंगे। मित्रों, आपको अपने जीवन में कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। आमदनी को लेकर अगर आप परेशान थे, यानी आपकी आमदनी उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी आप चाहते थे, तो वो परेशानी आपकी दूर होगी, क्योंकि आज आपके लिए आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल योग बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में इजाफा भी आपको देखने को मिलेगा। आज आपको पैसे कमाने के लिए नए नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं और इन सभी आइडियाज को आप फॉलो भी करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही देखिए कुछ लोगों को अचानक से कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट हो सकता है, कोई बड़ा लाभ भी अचानक से आपको हो सकता है, या आपको अपने किसी करीबी मित्र से या अपने साथी से, अपने लव मेट से ऐसी सरप्राइज कोई मिल सकता है जो आपके बेहद खुश कर दे, आपको बहुत ही खुशी मिले और आपके जीवन में ये सरप्राइज खुशियां भर दे। और अगर हम तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो देखिए अगर आप नौकरी करते हैं और आप अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं तो आज आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके व्यवहार से, आपके काम करने की रणनीति से बहुत प्रसन्न होंगे, जिससे उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन में बहुत अधिक तरक्की आप कर पाएंगे। तो मित्रों, आज आप काफ़ी तार्किक बात करने वाले होंगे, अपने विरोधियों को आज आप परास्त करेंगे, जो आपके शत्रु हैं उन पर आप हावी रहेंगे। और अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए आज का ये दिन आपके पारिवारिक जीवन में कई तरह के लाभ लेकर आएगा, खास तौर से माता पक्ष के लोगों से आपको लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मामा मामी का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा या नाना नानी का सहयोग मिल सकता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर आज आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के योग बने हुए हैं, प्रेम जीवन आपका काफ़ी शानदार रहेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। ये समय ऐसा होगा आपको ऐसे सुझाव देखिए कोई इस समय कोई व्यक्ति आपको ऐसे सुझाव दे सकता है या व्यापार का कोई ऑफर आपको मिल सकता है, यानी ऐसे ऑफर जो आपकी आय को बढ़ाने वाले हों, इस तरह के ऑफर आज आपको मिलने वाले हैं। इसके कई मौके आपके सामने आएंगे, इन मौकों का आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। लेकिन देखिए इस समय आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि संतान की सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उनकी बीमारी की तरफ से अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी आज आपको ध्यान रखना है, यात्राएँ करने से इस समय जितना बचें अच्छा रहेगा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं तो आज आपको लाभ मिलने वाला है, कुछ नई गतिविधियों को सीखने का आपका मन होगा। और अगर आप इस समय शुभ फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो देखिए इस समय पूरी मेहनत करें यात्रा करने से, परंतु आज आपको बचना होगा। और देखिए इस समय साझेदारी के साथ थोड़ी दिक्कत आपको जरूर होगी, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई कारोबार आपने किया हुआ है तो वहां किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए उन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास आप इससे पहले करें, खुलकर उनसे बात करें। किसी भी सिलसिले में जहां आपको परेशानी दिखती है वहां खुलकर बात करेंगे तो देखिए परेशानी का हल जरूर निकलेगा। हालांकि निजी जीवन में यहां आपके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। मित्रों, आपको बता दें आज का ये समय उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाला है जिन्होंने पुराने समय में कोई निवेश किया हुआ था, तो उसका फल आज आपको मिल सकता है। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय, इस उपाय को आप अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करें। मित्रों, प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लें, इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी ये कर सकते हैं, और 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें।
जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि देव लिखना ना भूलें, अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।